बांग्लादेश में तबाही मचाने के बाद चक्रवात सितरंग अब भारत के तटीय इलाकों में पहुंच चुका है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात सितरंग का असर अब पूर्वोत्तर में दिख रहा है। असम के नागांव जिले में भारी बारिश और आंधी के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में समुद्र तट पर ज्वार भाटा उठने लगा है। हालांकि चक्रवात अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और समुद्र के पास न जाने की चेतावनी दी है। भारत पहुंचने से पहले चक्रवात सितरंग ने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई और इसके कारण कम से कम 35 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चक्रवात सितरंग के कारण भारत में भी कई राज्यों में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। चक्रवात के असर से बारिश का दौर शुरू हुआ जो अब तक जारी है। इस तूफान की वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई। भारत में चक्रवात सितरंग के चलते सबसे ज्यादा तबाही असम में हुई है। यहां चक्रवात के कारण करीब 83 गांवों के 1100 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। चक्रवात के चलते हुई भारी बारिश में बड़ी तादाद में घरों को नुकसान पहुंचा है। असम में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक तूफान से अब तक 1146 लोग प्रभावित हुए हैं। चक्रवाती तूफान के कारण असम के नगांव जिले के विभिन्न हिस्सों में कई पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। तूफान के कारण मध्य असम के कालियाबोर, बामुनी, सतमुथिया चाय बागान और बोरली गांव क्षेत्रों में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि चक्रवात सितरंग से मची तबाही के बीच राहत की बात यह है कि अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। अभी तक भारत में तूफान से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और जानकारी के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।